तो इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी एक्स सेवन मैक्स के जो नए ऑफर्स के बारे में, जो कि अभी फ्लिपकार्ट में आपको रियलमी का फेस्टिव डेज चल रहा है एंड आपको प्रीपेड ऑफर देखने के लिए मिल रहा है। सीधा आपको 5,000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। किसी भी कार्ड में पेमेंट कर दोगे, जो है प्रीपेड पेमेंट कर दोगे, तो आपको वो ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। 27 का तो देखने के लिए मिल रहा है, बट आपको जो पेमेंट पेज में जाना है एंड किसी भी कार्ड से जो पेमेंट करना है, कौन से बैंक के कार्ड में, लगभग सारे बैंक के कार्ड में है। बाकी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कौन से बैंक में वो ऑफर देखने के लिए मिल रहा है। लगभग सारे बैंक के ATM कार्ड से आप पेमेंट अगर किसी भी कार्ड से कर दोगे तो हो जाएगा। बेसिकली प्रीपेड करना है, बट क्या आप ये फ़ोन परचेस करोगे, रियलमी एक्स सेवन मैक्स? बहुत लोगों को परचेस करना था, जैसा कि जो बिग बिलियन डेज के पहले जब 21,000 का मिल रहा था, 6,000 का डायरेक्ट इसी तरीके का ऑफर था, 6,000 का मिल रहा था ऑफ, तब लोगों ने 21,000 का परचेस कर लिया था, बट बहुत लोगों ने परचेस नहीं कर पाए थे। तो वो वेट कर रहे थे कि बिग बिलियन डे में लेना है या जो दिवाली सेल आएगी उसमें लेना है, या उसके बाद भी किसी भी सेल में नहीं आया। GT मास्टर एडिशन ही आता रहा सेल में, 4,000 का डिस्काउंट कंटिन्यूसली, 4,000, 5,000, 6,000 का डिस्काउंट उसमें आता रहा, बट इसमें कभी नहीं आया। बट अभी आप अगर देखेंगे तो GT मास्टर एडिशन में ऑफ़र नहीं है, बट इसमें ऑफ़र देखने के लिए मिल रहा है। इवन GT नियो 2 में भी ऑफ़र नहीं है। रियलमी का फेस्टिव डेज चल रहा है जो कि 9 से लेकर 13 तारीख तक चलेगा, एंड उसके बाद 15 तारीख से फिर जो ईयर एंड सेल आती है, जो कि बिग सेविंग डेज फ्लिपकार्ट का, उसमें फिर आपको बड़े ऑफर्स देखने के लिए मिलेंगे। SBI कार्ड के ऊपर भी वहाँ पर ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा, शायद क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र देखने के लिए मिले। तो कैच ये है कि आप ये फ़ोन परचेस करोगे कि आप दूसरे जो ऑप्शंस आपके पास है वो कंसिडर करोगे, तो वो दूसरा कैच है, उसके बारे में लेटर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो कैच नहीं है, एंड लाइक कर सकते हो। पहला कैच ये है कि अभी परचेस करेंगे कि फिर से जो है वेट करेंगे, फिर 15 या 16 तारीख से जो सेल है, जो बिग सेविंग डेज जो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें कार्ड के ऊपर भी फिर से ऑफ़र रहेगा। तो क्या फिर से वहाँ पर रियलमी एक्स सेवन मैक्स में 5,000 का डिस्काउंट प्लस कार्ड ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा? तो ताकि आप अगर 1,000 का कार्ड डिस्काउंट और आपके पास हो, SBI का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए उसके लिए, ये बात ध्यान में रखें, तो क्या आप वेट करेंगे? तो सब तब आपको शायद 21 में मिल सकता है ये फ़ोन, बट अभी आपको ये 22 में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी 22 में लेंगे कि उसका वेट करेंगे एंड रिस्क लेंगे कि 21 में मिल जाए? अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो रिस्क ले सकते हैं, बट मेरे को ये लग रहा है कि फिर जब वो फेस्टिव, वो बिग सेविंग डेज चालू होगा, तब वहाँ पर इसमें ऑफ़र देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर उसमें फिर GT मास्टर एडिशन में ही वो ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा, जैसा मेरा गेस है, जैसा कि पहले भी ये होता आया है। तो ये है, तो ये पहला डाउट या पहला कैच क्लियर होता है। दूसरा जो कैच है कि आप रियलमी एक्स सेवन मैक्स अभी लेंगे कि नहीं लेंगे। रियलमी एक्स सेवन मैक्स एक बढ़िया डिवाइस है, मीडिया टेक डायमेंसिटी 1200 के साथ आता है। इसमें आप 4K 60 FPS तक जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा एवरेज है, जो प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, वो सोनी का सेंसर है, सोनी का IMX582, एंड वो आपको डिसेंट जो है इमेजेस क्लिक करके देगा डेफिनेटली। फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX471 है, वो भी डिसेंट है, एवरेज है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जैसा कि आप मान सकते हैं, जो जैसा कि GT नियो 2 जैसा परफॉर्म करता है उस तरीके का है, या GT मास्टर एडिशन भी जैसा परफॉर्म करता है उस तरीके का ये देखने के लिए मिलेगा। एंड अभी इसमें 90 FPS का PUBG नहीं चलता है, अभी 70 FPS पे लॉक्ड है, शायद किसी सॉफ्टवेयर अपडेट में वो भी देखने के लिए मिले। एंड बैटरी बैकअप थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, बट अभी एक लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो सही हो गया है। करियर एग्रीगेशन का बेस्ट फ़ोन मैं इसे मानता था, बट अभी करियर एग्रीगेशन का उतना ज़्यादा 2C, 3C या 4C बैंड देखने के लिए नहीं मिल रहा है, शायद वो किसी सॉफ्टवेयर अपडेट में फिर से सही हो जाए। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है एंड हैप्टिक फीडबैक भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास ऑप्शंस है Xiaomi 11 Lite Any 5G, IQ Z5, जिसमें AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलता है। Samsung का M52 है, जिसका कैमरा बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके पास GT Neo 2 है, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अच्छा फ़ोन रहेगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है। एंड आपके पास है OnePlus Nord 2, जो कि ओवरऑल एक सबसे बढ़िया फ़ोन है, जिसमें कैमरा भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। एंड Mi 11X जो कि अभी भी ऑफ़र में मिल रहा है, वहाँ पर भी कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है अमेज़न में, जहाँ पर 4,000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपको 24 का देखने के लिए मिल जाएगा विद स्नैपड्रैगन 870। एंड Mi 11 इन लाइट एनी 5G जो है वो भी आपको जो है 23 का देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर भी 4,000 का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट अगर आपको ये सारे ऑप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको Mi 11X लेना था ना, आपको वही लेना है, तो आप डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हैं। 22,000 में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 21 का ही मिल सकता है, इससे कम तो नहीं मिलने वाला है। एंड आपको रिस्क भी नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता फिर से वो GT मास्टर एडिशन में ही ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा, दोनों में एक साथ ऑफ़र देंगे नहीं।
GT मास्टर एडिशन, ये दोनों कभी भी एक साथ में ऑफर में नहीं आए, कभी ये मिलता है तो वो नहीं मिलता है, कभी वो मिलता है तो ये नहीं मिलता है, तो ये देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अच्छा फ़ोन है, जितने सारे ऑप्शंस मैंने बताए, अगर आप उसे कंसिडर करना चाहते हो, अगर आप उसे कंसिडर करना चाहते हो तो वो अलग बात है, बजा लो। तो वो अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो वो अलग बात है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। आपको बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए इस प्राइस रेंज में तो आपको सैमसंग M52 लेना है, बट उसमें फिर जो है नेटवर्क का कुछ जो है इशू है। बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, GT Neo 2 है, इसका भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। GT Neo 2 का भी कैमरा अच्छा नहीं है। ऑलराउंडर बेस्ट डिवाइस IQ7 अगर आपको इस प्राइस में मिल जाए, ऑफ़र वगैरह में, इतना ऑफर तो है नहीं, अभी 30 का ही मिल सकता है, सारा सदा 28 का सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। 28 में अभी आपको OnePlus Nord 2 मिल रहा है, वहाँ पर भी ICICI का जो है ऑफ़र है, तो Nord 2 ले सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, सेम प्रोसेसर, बढ़िया कैमरा, तो ये है। बाकी ये लेना है डेफिनेटली ये ले सकते हैं, अच्छा फ़ोन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसमें आए हैं एंड आते जा रहे हैं, एंड UI रियलमी UI 3.0 का भी अपडेट आ जाएगा, तो ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस फ़ोन में। एंड आगे आने वाले जो डील्स वाली जो वीडियो है, जो बिग 7 डेज, वो भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा चैनल में, तो रिकमेंडेड है कि आप ले लो अभी, अगर लेना चाहते हो तो अभी ले लो, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो आने वाला सेल है उसमें ये देखने के लिए नहीं मिलेगा ऑफ़र में, तो ले लेना अगर वो बाकी जो ऑप्शन में बताएं आप उसे कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो ये है, कैसा लगा आपको वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।